हे हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपने घर पे बना रही हूँ मशरूम में मटर। तो मैंने सोचा क्यों ना रेसिपी आप लोगों से शेयर की जाए। तो यहाँ पे मैंने मशरूम लिया है और मशरूम की जो क्वांटिटी है वो हाफ़ केजी है। और आप देख सकते हो मेरे मशरूम वैसे साफ़ ही हैं, बट फिर भी मैं इसको बॉइल्ड वाटर में रब करूँगी और अच्छे से क्लीन कर लूँगी। वैसे उसका दूसरा तरीका भी होता है कि आप आटे से भी उसको क्लीन कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे मशरूम साफ़ थे तो मैंने बॉइल्ड वाटर से क्लीन किया। अब मैंने यहाँ पे हाफ़ बोल जो है, आधी कटोरी लगभग मटर लिया है और उसको मैं थोड़ा सा ब्लांच कर लूँगी। ज़्यादा गलाना नहीं है मटर को। और जैसे ही ये हल्के से पक जाए उसके बाद मुझे इसको ठंडे पानी में ट्रांसफ़र करके रख देना है। अब यहाँ पे जो मेरे मशरूम्स हैं उनको मैं देख सकती हूँ कि मेरे मशरूम्स का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट मीडियम साइज़ है, तो इसको हम 4 पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहो तो इससे भी छोटे पीसेस कर सकते हो, बट मुझे इसी तरीके से साइजेस में मशरूम पसंद है। इसके बाद हम इसको एक बोल में, एक कटोरी में, बड़े से बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एंड उसमें अराउंड 2 टीस्पून मीट मसाला डाल के 5 मिनट्स के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैंने मिर्च, अदरक, 2 टमाटर, 2 प्याज और थोड़े से लहसुन लिए हैं और इन सबको आपको रफली चॉप कर लेना है। तो जो मेरे सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, उसको हीट करेंगे मीडियम फ्लेम पर एंड यहाँ पे मैंने अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून जो है ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है। और जो स्लाइस्ड अनियंस हैं उनको हम डाल देंगे इसमें और उनको हमें सौते करना है जब तक कि वो हल्के पिंकिश ना हो जाएं। याद रखिएगा कि हमें इनको बराबर से चलाते रहना है ताकि ये जले ना, क्योंकि अगर जल जाएंगे तो इनका फिर वो टेस्ट नहीं आएगा और उस तरीके से प्यूरी भी नहीं बन पाएगी। तो इनको हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अब इसमें जो हमारे बाकी के अदरक, लहसुन और हरी मिर्च थी उसको डाल करके लगभग हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे, सौते करेंगे। और जो हमने जो 2 टमाटर थे उसको भी हमें रफली चॉप कर लेना है और उसको भी हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, सौते करेंगे मीडियम फ्लेम पे। याद रखिएगा लो टू मीडियम फ्लेम ही हमें रखना है, नहीं तो सारी चीज़ों का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसमें हम अराउंड 1/2 टीस्पून, आप देख सकते हो मैंने इसमें नमक डाला है ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। और इसको थोड़ा सा जला करके हमें जो है मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो टमाटर है, अनियंस हैं या जो अदरक है और लहसुन है वो थोड़े से गल गए हैं, बट आप देख सकते हो अभी भी इसको हल्का सा और सौगी होना बाकी है। तो इसको हम अभी फिर से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और ये देखिए इस तरीके से जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनका ये टेक्सचर आ जाना चाहिए ताकि हम इनको अच्छे से ग्राइंड कर सकें। अभी हम इन्हें फ्लेम से उतार लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि हम इसे ग्राइंड कर सकें। अब एक कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है और लगभग आप देख सकते हो 1 टीस्पून ने बटर डाला है और हमारे जो मशरूम थे, जो मैरिनेटेड मशरूम थे, उनको हमें हाई फ्लेम पे 4 to 5 मिनट्स जो है अच्छे से सौते कर लेना है ताकि जो मीट मसाला जो डाला है हमने वो अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए, उसमें एक अपना टेस्ट आ जाए हमारे मशरूम में। और इस तरीके से उसको भी हमने निकाल के रख लिया है। अब जो हमने जो इंग्रेडिएंट बनाया था, जो अदरक लहसुन का जो बनाया था, उसको हमें अब प्योरी बना लेना है। याद रखिएगा कि उसमें हमने पानी नहीं डाला है, वो मैंने इसी तरीके से इसको ग्राइंड किया और ये देखिए इस तरीके से इस टेक्सचर में हमें कर लेना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें अराउंड हम 2 to 3 टेबल स्पून जो है रिफाइंड ऑयल डालेंगे। उसमें डाला है 1/2 टीस्पून जीरा और 2 तेज पत्ता डालेंगे, बे लीव्स डालेंगे। और लो फ्लेम पे हम इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के अराउंड जो है धनिया पाउडर डाला है। इसे अच्छे से चला के अब इसमें जो हमने जो प्यूरी बनाई थी उसको अच्छे से डाल के भून लेना है। और जो हमारे मिक्सी के जो जार में जो बचा खुचा जो था प्यूरी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी हम वापस से कढ़ाई में डाल लेंगे और इसको लगभग मीडियम फ्लेम पे ही आपको जो है अच्छे से चलाना है। याद रखिएगा कि इसको चलाते रहना है। और अब इसमें जो हमने बॉइल्ड पीस थे, जो मटर थे उबले हुए, उनको डाल देना है और अच्छे से चलाना है और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर रख देंगे।
और ढक के रखेंगे 4 से 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि देखिए मसाले ने भी अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। कॉर्नर्स पे भी आप कढ़ाई के देख सकते हो कि मसाले ने तेल छोड़ दिया है। और ये देखिए हमारे पीस भी अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें हम बाकी जो मशरूम था हमारा फ्राइड, उनको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे हमारे बाकी के मसाले डालेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, जो कि याद रखिएगा थोड़ा सा हमने ग्राइंडिंग के टाइम डाला था, और थोड़ा सा ही हम यहाँ पे नमक अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। और इसको करीब 5 से 6 मिनट हम ढक के रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। 5 से 6 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो मशरूम्स हैं वो अच्छे से गल गए हैं, हमारे जो मटर हैं वो भी अच्छे से गल गए हैं, और जो हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट यही होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि कितना टेस्टी लग रहा है हमारा। अब उसके बाद हम कोरिएंडर से धनिया से गार्निश कर लेंगे। और देखिए हमारा इस तरीके से मशरूम में मटर तैयार हो गया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा।